हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आज एक बड़ा सा वीडियो आ रहा है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मतलब कैसे मैंने ग्रुप टू पास किया सेल्फ स्टडी से, उसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने मुझसे गाइडेंस सीख किया था इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि हर किसी को एक सेपरेटली आंसर देने से अच्छा एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको प्रॉपरली शेयर कर दूँ, जिससे आपकी ज़्यादा और ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कैसे सेल्फ स्टडी की थी, क्या क्या टेक्निक्स मैंने फॉलो की थी जिससे मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए और मैं पास हो गया। ग्रुप वन में भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। लगभग मैंने 50 से 60 हज़ार के लेक्चर परचेस किए थे, लगभग 2-3 क्लासेस थे। मतलब उस समय मैं बहुत सीरियस था एग्जीक्यूटिव के लिए, और इस चक्कर में मैंने 50 to 60 thousand मेरे गवा दिए थे, और फिर भी उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिर जाकर मैंने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी से ही मैंने सिर्फ मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था। तो दोस्तों, तब भी मैंने मेरी जो स्टोरी थी सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप वन क्लियर करने की, और स्टोरी भी मैंने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है वो स्टोरी, आप जाके देख सकते हो वो स्टोरी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप टू के बारे में स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ, एक जेन्युइन आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया था। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया था, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मैंने टेक्निक्स फॉलो की थी। तो दोस्तों, मेरा भी जब मैं गांव में था तब मेरा बहुत सारे दिन ऐसे ही चले गए थे बिना पढ़ाई के, तो मैं भी बहुत डिप्रेस था या कि यार हो पाएगा या नहीं। सिर्फ 2-3 महीने बचे थे, और तब से मैंने ठान लिया कि यार कुछ भी करके मुझे क्लियर ही करना है सेकंड ग्रुप, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप किया था सेल्फ स्टडी करके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी टेक्निक क्या थी। सबसे पहले कि मैं क्या करता था, जो क्लासेस है बड़े बड़े, जो देखो मैराथन लेक्चर अपलोड करते हैं, दोस्तों मेरा उन मैराथन के लिए जो व्यू है, मैं उनको रिविजन लेक्चर समझता ही नहीं। वो जो लेक्चर्स क्लासेस वाले अपलोड करते हैं ना, वो प्योर एंड प्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले लेक्चर होते हैं, प्योर क्रैश कोर्सेस होते हैं वो। मतलब देखो ना यार, वो मैराथन्स में हमें क्या क्या बताते हैं, मतलब कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एग्जांपल भी देते हैं, और उसके बाद उसको और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करके भी बताते हैं हमें फास्टली, और कुछ टाइम पास नहीं करते मैराथन में। इसलिए वो मैराथन छोटे होते हैं और एकदम ब्यूटीफुल तरीके से वो हम उससे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही तब मैंने ग्रुप 1 के लिए ट्राई किया था, ट्राई करके देखा था, और इतना ब्यूटीफुल स्टडी हुआ था ना दोस्तों मेरा। मतलब जितना मुझे क्लासेस से फ़ायदा नहीं हुआ था स्टडी करके, उससे भी ज़्यादा फायदा मुझे इस टेक्निक से हुआ था। दोस्तों, टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आपको ऐसे क्लासेस के मैराथन लेक्चर ढूंढने जो अच्छे हैं, डीपली उन्होंने कवर किए। फॉर एग्जांपल यूनिक एकेडमी हो गई, उसके बाद जेके शाह क्लासेस हो गया, उसके बाद इंस्पायर एकेडमी हुई, ऐसे कुछ टॉप के जो क्लासेस है जिन्होंने एकदम प्रॉपरली डीपली कंसेप्ट क्लियरिटी करके मैराथन लिए, उनको लेना है आपको। उनको प्रॉपरली मतलब प्लेलिस्ट बनानी है उसकी, और उसके साथ साथ जो उनके नोट्स होते हैं मैराथन नोट्स प्लस उनके जो रेगुलर नोट्स होते हैं, उसको लेना है। आप उसकी ये प्रिंट भी निकाल सकते हो या फिर पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली पीडीएफ से पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट निकालने से ज़्यादा मेरी इफेक्टिविटी मतलब इफिशियंसी ज़्यादा इससे होती थी पीडीएफ से, तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ता था। तो दोस्तों, मैं क्या करता था, जो मैंने मैराथन लेक्चर है, सपोज अगर ईबीसीएल में पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईबीसीएल का फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ रहा हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने 1.5 से 2 घंटे में कवर किया होता है पूरा, जो हम क्लासेस में 10-12 घंटे देते हैं ना, उसको उन्होंने सिर्फ 1.5-2 घंटे में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके कंप्लीट किया होता है। तो दोस्तों, मैं क्या करता था, उसको सपोज अगर 1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर फॉर एग्जाम्पल, तो 2 घंटे में मैं 20 मिनट उसको देखता था पहले। तो 20 मिनट में बहुत सारी कंसेप्ट वो बताते थे, मतलब क्लियर करते थे एग्जाम्पल वगैरह देके, तो उसको मैं पहले समझ लेता था 20 मिनट, और समझ लेने के बाद जो उनको उनके जो नोट्स होते हैं मैराथन नोट, उसके बाद 20 मिनट वीडियो देख के समझने के बाद मैं उन मैराथन नोट्स से पढ़ता था प्रॉपरली। कि सपोज अगर मैंने 5 कंसेप्ट पढ़े 20 मिनट में, तो 5 कंसेप्ट को मैं लगभग 1 से 2 घंटा देता था उनके मैराथन नोट से पढ़ने को। तो उनके एक बार उनको उनके मैराथन नोट से पढ़ के होने के बाद मैं उनके जो रेगुलर नोट होते थे उन रेगुलर नोट से भी पढ़ता था, मतलब जो 5 कंसेप्ट मैंने 20 मिनट में पढ़े थे, और उसको मैं लगभग 3 से 4 घंटे उस रेगुलर नोट से पढ़ता था, राइट। और उस रेगुलर नोट से पढ़ने के बाद अगर टाइम अगर परमिट करता है, मतलब अभी आपको मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाना है, मॉड्यूल का हम बाद में देखते हैं, चलो। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 घंटे का एक चैप्टर का लेक्चर है, उसमें 20 मिनट देखना है,
20 मिनट देखने के बाद उनके जो मैराथन नोट्स होते हैं उससे पढ़ना है आपको एक दो घंटे, और मैराथन नोट से पढ़ने पढ़ के होने के बाद उनके जो रेगुलर नोट्स होते हैं उन रेगुलर नोट्स से 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आपकी इतनी इफेक्टिवली पढ़ाई होती है ना इससे कि जो रेगुलर क्लास में भी नहीं होती, क्योंकि रेगुलर क्लास में हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं वो लोग, और एग्जाम्पल देने से क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब वो इधर उधर की स्टोरी बताते रहते हैं, बहुत सारी ये चलती रहती है, तो इससे हमारा उसमें टाइम जाता है। तो मैराथन्स में क्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, हम क्या करते हैं 20 मिनट में हमें लेक्चर देखने हैं, उसके बाद हम उनके मैराथन नोट से पढ़ने वाले। तो देखो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन होती है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी, मतलब इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलती है और इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है ना इससे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना 3-4 घंटे हम नोट्स से पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, खुद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इससे बहुत ही मतलब पर्सनली मेरी तो इतनी इफेक्टिवली पढ़ाई होती थी ना, मतलब सारे कंसेप्ट मेरे फिंगर टिप्स पे थे। तो ये हो गई दोस्तों हमारी फर्स्ट टेक्निक जो मैं यूज़ करता था, जो मैंने यूज़ करके सेकेंड मॉड्यूल पास किया और फर्स्ट भी पास किया था। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, मैं किसी भी क्लास को मतलब क्लास लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, क्लास अगर आपने लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप क्लासेस से कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको क्लासेस से कंफर्टेबल लगता है तो आप क्लास ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे वो कंफर्टेबल नहीं था, वो टेक्निक कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे इस टेक्निक से ज़्यादा इफिशियंसी आती थी, मेरी नॉलेज भी मिलती थी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन होती थी। तो पर्सनली मुझे ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी और ऊपर से मेरा पैसा भी बच गया सेकंड मॉड्यूल के लिए, मैंने सेकंड मॉड्यूल के लिए कौन से भी लेक्चर लिए नहीं थे। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको एक फर्स्ट टेक्निक बताई कि 20 मिनट पहले क्या करना है, मैराथन से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 20 मिनट के बाद एक दो घंटा मैराथन के नोट्स को रीडिंग करने के लिए देना है, उसके बाद 2 से 3 घंटे जो रेगुलर नोट्स होते हैं उन क्लासेस के उसको रीड करने में देना है। और ये सब होने के बाद क्या करना है दोस्तों, आप हर एक चैप्टर के लिए आपको ऐसे ही करना है। ये सब होने के बाद दोस्तों अगर सपोज ये आपने ये सारी प्रोसेस आपने चारों सपोज आप अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो मॉड्यूल 1 या फिर दोनों मॉड्यूल दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करना है कि किस चैप्टर को आपको कितना समय लगेगा ऐसा करने के लिए। अगर सपोज मान लो अगर आपको आपके पास 6 महीने बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए, और अगर आपने डेली 10 से 12 13 घंटे अगर आपने डेली दिए प्रॉपरली एकदम इफिशियंटली इफेक्टिवली दोनों ग्रुप के लिए, तो अगर आपका 4 महीने में पूरा सिलेबस ऐसा करके कंप्लीट हो गया कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके, और आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो दोस्तों आप इन 2 महीने में क्या कर सकते हो, 1 महीना आप रिवीजन के लिए दे सकते हो और 1 महीने में 1 महीना आप मॉड्यूल के रीडिंग के लिए दे सकते हो। मतलब आपको आपने अगर ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके अगर आपने बाद में जब एग्जाम का टाइम होता है तब अगर आपने मॉड्यूल को रीड किया ना, तो दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते आपकी इतनी मतलब इतनी इफेक्टिवली पढ़ाई होगी ना, मतलब नॉलेज भी आपका इतना बूस्टअप होगा, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल भी इतना अच्छा हो जाएगा कि हमारी ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है खुद से, और उसके बाद हम मॉड्यूल भी रीडिंग कर रहे हैं, तो मॉड्यूल रीड करने से क्या होगा, जो वर्ड्स होते हैं लॉ के जो इंटरप्रिटेशनल वर्ड होते हैं उनसे हमें उनसे हम फैमिलियर हो जाएंगे, उनसे हमारी पहचान हो जाएगी उन वर्ड से। तो ऐसा करके दोस्तों हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे यहाँ पे, सारा सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले रहे हैं और उसके बाद मॉड्यूल से भी रीड कर रहे हैं, तो हमारा सब कुछ मतलब सब कुछ कवर होता है इस तरीके से। और दोस्तों एक बार आपका मॉड्यूल रीडिंग करके हो गया और फिर भी टाइम अगर आपको परमिट करता है तो आप क्या कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। पर्सनली मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करता था कि मैं माइंड से ही लिख के देखता था, अगर कोई कंसेप्ट मैंने पढ़ा सपोज अगर, तो उसको मैं लिख के देखता था माइंड में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इससे मेरा कॉन्स्टेंट बूस्टअप होता था लिखने के लिए। मैंने अभी फर्स्ट मॉड्यूल के लिए भी कौन सी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, सेकेंड मॉड्यूल के लिए भी नहीं की थी, सिर्फ मैंने माइंड में लिख के देखा था। और एक बात और की थी मैंने कि एग्जाम के पहले ना मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे। टेस्ट पेपर मतलब क्या, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना 20 अटेम्प्ट, मतलब पिछले अटेम्प्ट के उसके पिछले अटेम्प्ट के, ऐसे 2 अटेम्प्ट के पेपर मैंने मतलब टेस्ट दिया था सिर्फ उसका, मतलब 3 घंटे प्रॉपरली। सपोज अगर कल पेपर है, टू से फाइव, तो मैं क्या करता था आज उसके पिछले दिन पिछले एक दिन पहले 2 से 5 बजे मैं बैठ के पेपर लिखता था पूरा कि मुझे आता है कि नहीं, तो इससे मेरा मतलब कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्टअप होता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइंड से लिख के देखा था ना और मैं उसी टाइमिंग पे लिख के देख रहा हूँ पेपर को, तो इससे प्रैक्टिस भी होती थी, मेरा डर भी खत्म हो जाता था और एकदम अच्छा सा मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। और दोस्तों और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि अगर हमारे पास कम समय है, अगर हमारे पास 1 मंथ है 2 मंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन होती है अगर, तो आप
मॉड्यूल रीड करना मतलब ये कर सकते हो, कम कर सकते हो, उसके बाद रेगुलर नोट्स रीड करना कम कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ मैराथन और जो उनके मैराथन नोट होते हैं वो भी एकदम डिटेल में होते, वो भी अगर आपने अच्छे से किया ना तो भी आप पास हो सकते हो। मतलब ये जो रेगुलर नोट्स रीड करने के लिए जो मैंने बोला है, या मॉड्यूल रीड करने के लिए बोला है, या फिर जो वर्ड से फैमिलियर होने के लिए बोला है, ये आपका नॉलेज बूस्टअप करने के लिए, एडवांस नॉलेज लेने के लिए बोला है। अगर आपको सिर्फ पास भी होना है तो अगर आपने मैराथन प्लस नोट्स को अगर अच्छे से दो चार बार रीड किया, दो चार बार उसको समझ लिया, खुद से अगर आपने कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर दिया, मतलब मैं कैसे करता था कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो जब मैं फर्स्ट मॉड्यूल की पढ़ाई करता था, फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड मीटिंग की अगर पढ़ाई कर रहा होता था तो मैं क्या करता था, कोई कंसेप्ट अगर मैंने पढ़ा, बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मैं खुद से दिमाग लगाता था कि यार मुकेश अंबानी मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो मुझे इस सिचुएशन में उनसे क्या मतलब क्या एडवाइस देनी पड़ेगी मुझको। तो मैं इसे पूरा सोचता था, मतलब पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जोड़ता था मेरा ये उस कंसेप्ट को, पूरा प्रैक्टिकली उसको रिलेट करता था उस कंसेप्ट को, हर एक कंसेप्ट को। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, कंसेप्ट भूलने का मुझे मतलब मेरे माइंड में सवाल ही नहीं आया एग्जाम के टाइम पे। मैंने पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में उस हर एक कंसेप्ट को ये किया था, रिलेट किया था, तो एकदम अच्छे से मेरा सारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुई थी। और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में मैंने लिख के देखता था इंग्लिश में, तो ऐसे ही बहुत अच्छे से मेरा प्रिपरेशन हो गया था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दो तीन क्लासेस के नाम बताए थे मैराथन लेक्चर देखने के लिए और नोट्स के लिए, तो दोस्तों आप अपने पसंद से उन क्लासेस को चूज़ कर सकते हो। मैंने कौन से क्लासेस को चूज़ किया था ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बता सकता, आप मुझे इसके लिए इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको पूरी जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।